हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आपने कई बार टमाटर प्याज की चटनी खाई होगी, लेकिन जिस तरीके से आज हम बनाने जा रहे हैं उस तरह से बनाकर शायद ही आपने पहले कभी खाई हो। और यकीन मानिए दोस्तों, आप बनाकर देखिए, आपको ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम को स्लो ही रखा है। और सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़े चम्मच तेल। एक चम्मच तेल मैंने डाल दिया है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाता है, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हींग। तो एक छोटी चम्मच हींग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, साथ ही ऐड कर रही हूँ एक चम्मच राई, लगभग आधा चम्मच जीरे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और दो लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी हैं खड़ी वाली, 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। जैसे ही ये सभी चीज़ें थोड़ी सी भुन जाती हैं, हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो हल्के से भुन गई हैं सभी चीज़ें, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च। एक हरी मिर्च है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, लगभग 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें हल्का सा भूनना है। जैसे ही भुन जाते हैं, हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो ये देखिए, लहसुन मिर्च हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है, और प्याज को भी हमें पकाना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों, थोड़ा ही पकाना है हमें, जिससे कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। तो प्याज को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर, जिन्हें मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर को भी हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। नमक मैं ऐड करूँगी स्वाद अनुसार, नमक मैंने डाल दिया है। नमक डालने के बाद आप अच्छे से मिला लीजिए, और ढककर इसी तरह से टमाटर को आप पका लीजिए। टमाटर को हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया है, टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। चम्मच से आप इस तरह से दबाकर देख लीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरा धनिया। हरा धनिया हमने रफली चॉप्ड कर लिया है और इसमें डाल दिया है। इस स्टेज पर आपको करना क्या है कि गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। धनिया डालने के बाद आपको चटनी को अच्छे से मिला देना है, और जैसे ही चटनी ठंडी हो जाती है, मिक्सर में आपको ग्राइंड कर लेना है। तो हम भी इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो चटनी को हमने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है चटनी का। जितनी ज़्यादा दिखने में ये टेस्टी लग रही है दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। तो टमाटर प्याज की चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। आप गर्मा गर्म चटनी को सर्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी टेम्पटिंग लग रही है दिखने में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।